समर हिल चौक में भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगाने को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बुधवार को जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नगर निगम की महापौर का घेराव कर जल्द स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगाने और समर हिल चौक का नाम स्वामी विवेकानंद चौक रखने की मांग की, वहीं आज नौजवान जनवादी सभा और SFI ने नगर निगम की महापौर कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और 23 मार्च तक भगत सिंह की मूर्ति लगाने का अल्टीमेटम दिया और नगर निगम इस समय के बीच तक भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा नहीं लगाती है तो नगर निगम कार्यालय में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। ने शिमला महापौर का घेराव किया है, आप सब लोग जानते हैं हम आज से पूरा 20 दिन पहले यहाँ आए थे और हमने यहाँ पे बात की थी कि जो शिमला शहर के अंदर दो मूर्तियाँ लगनी थी, स्वामी विवेकानंद जी की और भगत सिंह जी की। आज हमने बिल्कुल क्लियर किया और आज हमने जो उस हाउस जो पिछले पुराने हाउस के अंदर पारित हुआ था प्रस्ताव, जिसके अंदर साफ तौर पर तय हुआ है कि समरील चौक पे ही स्वामी विवेकानंद जी की और समरील चौक में ही भगत सिंह जी की मूर्ति लगनी है। पर हम देख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक संगठन, कुछ छात्र संगठन इस बात को राजनीतिक बना करके उन मूर्तियों को सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। हम तो सीधे तौर पर एक बात बोलने यहाँ पे आए हैं और मेयर साहब को हमने क्लियर किया है कि भगत सिंह की मूर्ति पे और स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पे कोई राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही इंसान वो है जिनके आदर्श को लेकर के आज नौजवान पीढ़ी आगे बढ़ रही है। एक तरफ जहां नशे का कारोबार इस तरीके से बढ़ रहा है, उस समय के अंदर अगर भगत सिंह और विवेकानंद जी की मूर्ति के ऊपर राजनीति अगर होगी तो एक बहुत दुखद घटना है। हमने आज बात की है, आज 2 बजे यहाँ पे नगर निगम प्रशासन मीटिंग करने जा रहा है और 2 बजे की मीटिंग से निर्णय निकलेगा कि ये मूर्तियां कितने टाइम में लग जाएगी। हम DYFI और SFI की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर 23 मार्च से पहले पहले ये दोनों मूर्तियां नहीं लगती है तो पूरे शिमला के अंदर एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, हर एक वार्ड के अंदर जाके भगत सिंह और ये जो मूर्ति स्वामी विवेकानंद जी की है इस पर काम किया जाएगा। हम ये आज जो चेतावनी यहाँ पे मेयर साहब को दी है, हमने साफ तौर पर कहा है कि अगर ये इस बात को लेकर के सोचेंगे कि कुत्ते का मुद्दा उठा करके, बंदरों का मुद्दा उठा के, पानी का मुद्दा उठा करके, होर्डिंग का मुद्दा उठा के समरील के अंदर जो मूर्तियां लगनी है उस बात को टाला जाएगा, ये जो हिंदुस्तान के अंदर NRC और NP और NPR को लेकर के राजनीति चली है उस बात को लेकर इस बात को दबाना चाहेंगे, हम इसका कतई भी समर्थन नहीं करेंगे। हाँ, हम जो 6 मार्च को बजट सत्र यहाँ पे होने जा रहा है DYFI की तरफ, उसके अंदर घेराव करने जा रहे हैं। हम DYFI की तरफ से कुछ डिमांड इसके अंदर उठा रहे हैं जिसके अंदर हमने 6 मांगे खासतौर पर प्रमुखता पर चिन्हित की है। उसके अंदर हमने 6 मांगों के अंदर पहला दिया है कि शिमला शहर के पूरे शहर के अंदर 5 नई लाइब्रेरी खुली जाए। हमने उसके अंदर तय किया है कि शिमला शहर के अंदर जो पानी का है जो SJPNL कंपनी के पास दिया उसको बंद कर दिया जाए और नगर निगम अपने हाथ में इसको लो। हमने किया है कि जो कूड़े का आपने जो कूड़े का काम जो आप प्राइवेट करने की सोच रहे हो उसको बंद करके नगर निगम ही करे। ये शिमला शहर के अंदर बंदर अवारा कुत्तों की जो समस्या उसको खत्म किया जाए और सबसे बड़ी बात शिमला नगर निगम मुहिम चलाए, शिमला शहर के हर एक वार्ड के अंदर उसके काउंसलर जाए और हर एक घर के अंदर मुहिम चलाए कि जो नशा मुक्त शिमला बनाना है, अगर नगर निगम इसको हमको नहीं करेगा तो ये नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ये जो बजट सत्र 6 तारीख होने जा रहा है इन 6 मुद्दों का हम बजट सत्र के अंदर भी इसको घेरेंगे नगर निगम। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।